सिंगल बाबा जी, आपका नाम? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी, ये जो मंदिर बनाया हुआ है वैष्णो मंदिर, ये मतलब इतने पहाड़ों से अलग से कैसे बनाया हुआ है? ये इनकी मर्जी से हुआ है। तो इसकी कोई मतलब कहानी है क्या है? इसकी कहानी है, जैसे यहाँ लेके आए फिर यहाँ प्रैक्टिस देना शुरू किया, श्रद्धा बढ़नी शुरू हो। थोड़ी सी पहले का कुछ है अभी? हाँ। हिस्ट्री वगैरह तो बता दो हमें। हिस्ट्री ऐसे है, ये सपने में लेके आया करते थे बचपन से। आपके? हाँ जी। ओके। सपने में लेके आया करते थे, सपने में ऐसे लेके आया करते थे, यहाँ बोर्ड का दरख्त डैम के बीच में। ठीक है जी। तो बना पहले नदी चलती रहती। ठीक है जी। उस बोर्ड के दरख्त से कई बच्चे हम इकट्ठे होकर इस पहाड़ी को बेर खाने चलते थे। यहाँ दरमान में बच्चे बेर खाते करते पहाड़ी गुम हो जाते, उधर निकल जाते। हाँ जी जी। मैं उनको ढूंढते फिर रहा हूँ कहाँ चले, बच्चे तो मिल नहीं रहे साथी। नहीं। यहाँ घूमते घुमाते ढूंढते ढूंढते मुझे बच्चे तो गुम हो गए, दरबार नजर आ गए। तो यहाँ पे पहले कोई छोटा मंदिर ऐसे था? नहीं था, जैसे पीछे पहाड़ी सारी पहाड़ी थी, ये पूरी पूरी अपने हाथों से खोद खोद करके जगह बनी, तभी ये दरबार बना। ओके। तो इसमें फिर आगे मतलब आपने फिर ये मंदिर बनाया? हाँ। फिर जैसे सपने भी लेके आते थे उसी तरीके ने फिर जगह टूटी। ओके। जब माता हाजिर हुई ने बताया, आप 11 साल के जब से हम आपके साथ लगे। हाँ जी जी। तो देखो पहले 10 साल स्कूल में भी लगाए, स्कूल को वापस नौकरी लगे, शादी होगी बच्चे होगी, दूध की लोड पे गौ ले लिए। ठीक है जी। जब गौ के दौरान सपना शुरू हुआ, फिर बुद्ध को मैं प्रैक्टिकल गौ थे वहाँ कुछ भी है, प्रैक्टिकल दी भावना बन गई। हाँ जी हाँ जी। गौ दे बहाने जंगल दौड़ का टाइम मिल जाता रहा। ठीक है जी। गौ दे बहाने इधर दी भावना बन गई। हाँ मैं देखा है पीछे पूरा भी एक जंगल सा एरिया है, ये पूरा एक डैम नु कोई बनी हुई है। कितना जंगल होता जी होता, अब तो थोड़ा काट दिया ना शायद। साफ सफाई होगी अब तो, साफ सफाई होगी। अभी भी हम आ रहे थे, मैंने देखा रास्ता भी अभी तो बोला तो कच्चा ही है, खैर अभी भी इतना पक्का नहीं हुआ। ठीक है। जब हम जहाँ बच्चे इकट्ठे होते, हाँ जी जी, 7 मिनट बैठ गए, 10 मिनट अंदर बचपन तो खेल चलता सी। हाँ जी जी। अंदाज ही ना इस पास चटके है नहीं, बट एक बात है, यहाँ पे आके शांति बहुत मिलती है, नो डाउट। एक तो माता का मंदिर है, दूसरा बिल्कुल शांत है, आराम से बंदा बैठे, शांति से बैठा रहे, बैठा रहे, पता भी नहीं चलेगा टाइम का मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो यहाँ चल के आया तो यहाँ शिवलिंग बना ना। हाँ जी हाँ जी। मैं देखा एक बड़ा चाड़ सा होता था यहाँ। अच्छा। तो यहाँ खड़ के देखा, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ मुझे दरबार दिखाते हैं। जैसा लाया जो अंदर भावना चलती थी, तो जैसा लाया कि ये ही ये जगह है जहाँ मुझे दरबार दिखाते। वहाँ इतने की जगह साफ कर, दो चार पत्थर आके धूपबत्ती करने लगे, प्रैक्टिकल करने लग गया। ठीक है जी। ये कितना टाइम हो गया इस मंदिर को बने हुए? 1965 तो शुरू हुए, 1965 से, मतलब 35 और 20, 65, 55 साल हो गए, 56 साल हो गए ऑलमोस्ट, 57 साल हो। मैं पहली बार आया हूँ सच बोल दूं। फिर मन खड़ा खड़ा हुआ भी ये जगह जो मुझे दरबार दिखाते। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा, मतलब किन किन ने हेल्प करी आपकी? यह सब अपने हाथों से हुआ, कोई पर्ची नहीं काटी, कोई किसी से मांगा नहीं गया, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। नहीं, लोग जैसे आपके साथ में जुड़े भी होंगे इस चीज में ना, कि बाद में जुड़ते रहे लेकिन कुछ हेल्प किसी की ऐसी नहीं थी। मैंने सुना यहाँ लंगर भी चलता रहता है, हर संडे को लंगर चलता है, हर संडे। चलो जी, अगली बार होएगा तो जरूर जल्दी पहुंचेंगे हम भी लंगर में, जितना जल्दी होगा वादा बुलाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे, बाकी आपसे जल्दी दोबारा मिलेंगे भी। वहाँ प्रैक्टिकल हमारी को लाइन तो है नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बचपन से यहाँ सपने में लेके आते थे, बस यहाँ पे थोड़ी जगह साफ करके धूपबत्ती करने लगे, प्रैक्टिकल करने लगे। हाँ जी जी। 5-6 महीने हो गए धूपबत्ती करते, कोई समझने की इंडिकेशन नहीं आई। फिर मैंने अमर छकना था जो सिख लोग कृपान डालते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ गया। उसमें आई थिंक अमृतसर तो होता ना, अमृतसर में करते हो। फिर यहाँ मैंने अपनी आत्मा साफ की, अभी एक तरफ लगना चाहिए, दो वीडियो पे रख के बंदा कभी पार नहीं होता। सही बात है। यहाँ अरदास किया मैंने, मारा अगर तो आप यहाँ पुरुष हैं, देवी देवता पूत कुछ भी है, सपनाबाजी का हाँ जी जी, फिर तो मेरा मन टकाओ, फिर तो सेवा क्या करूँ। बाकी सपनाबाजी आज ही आ गया, आज पर मैंने नहीं पढ़ा। बाकी अब मैं शकू ना शकू पता लगना चाहिए अपनी भावना से। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। कोई दुख तकलीफ ना हो तो क्या पता क्या है क्या नहीं। हाँ जी हाँ जी। धूपबत्ती करे मन साफ के घर को चला गया भाई। पहले नदी नदी आके ऐसे जुड़ते थे यहाँ धोने के पास को, जब ये डैम बना फिर रहा गड्ढा पहाड़ वो जो चार पीछे नदियां बनी हुई उस साइड को, जब हम हाँ। पंजोर वाले रोड पे जाते हैं वो चार नदियां इसी में जुड़ती हैं? ना ना वो अलग है, वो अलग है, वो अलग नदी है पहाड़ी साइड में, साइड में। ठीक है। नहीं वही था, मैं देख रहा था, मैं अच्छी जगह है, अपनी भावना साफ किया, घर को चला गया, कानून को शायद तो है नहीं की तरफ लगना चाहिए, उसी दिन पर फिर देना शुरू कर। आपको पता है मैं जब शिरडी जाना था ना मैंने, अच्छा तो शिरडी जन में 20 सेक्टर रहता हूँ, जैसे चंडीगढ़ रहता हूँ, तो 29 में आपको पता साई मंदिर है? हाँ
साई मंदिर, आपको पता मैं उसके सामने से निकल जाता था 11 साल से, मैंने कभी अंदर नहीं गया था। अच्छा। और जिस टाइम मेरा शिरडी जाने का प्लान बना था ना, अच्छा, उससे पहले मेरे को वहां मंदिर में जाने का मौका मिला। अब मेरे को लग रहा है वैष्णो देवी मैंने जाना है फरवरी में, मेरे को यहाँ आने का पहले मौका मिला, तो मतलब पहले यहाँ पे जो नॉर्मल मंदिर है वहां पे मिलो जाके, फिर वहां जाने का मौका मिलेगा। अब वैष्णो देवी में कभी गया नहीं हूँ, हालांकि प्रोग्राम बना था वो भी कैंसिल हो गया था बीच में, अब मेरा हो सकता है क्या पता वहां जाने का मौका है, समय होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो बाबा जी जैसे भी होगा अपन तो आपसे आके मिलते रहेंगे, जितनी जल्दी होगा, जितना जल्दी होगा और जल्दी आके मिला करेंगे आपसे। फिर मैं दो बच्चे करके घर को चला गया। हाँ जी जी, कानू और कुछ है तो है नहीं, तब मैं घर को चला गया इधर हरिपुर गुरुद्वारा बाबे को, बद्दी साइड हरिपुर गुरुद्वारा, हाँ सुना है जंगल हरिपुर, हाँ जी हाँ जी, नालागढ़ से इस साइड है ना शायद, इसी साइड। हाँ जी हाँ जी, तो तीन लड़के थे हनी परमान दे बाबे थे, जो लड़के अच्छे फाड़ी सामने आए तो उन्होंने कि देवी वाले नजर आ गए थे जेड़े बाहर के जाते, तो रात नु ऊपर चढ़ गए हो। रब जाना इन्हें ने प्रगट होना था, उन्हें दी बुद्धि कमाई है या साडा मन टिकाउणा दी धुप लेखे ने खास इत्थे है, ये पिंड दे लोग शरबाम करदे हुंदे। बिल्कुल, मुंडे आए तो उन्होंने कि देवी वाले नजर आ बाहर जो रात नु ऊपर चढ़े गए, चढ़े तो उन्होंने देखा बंदर कोई रहे, एक लड़का सिर लगा बैठे जो तो बाहर के जाता, सिगरेट लाई लगाई लड़के ने, सिगरेट तो ऐसे भागी मुंह से निकल जैसे गोली आती, फिर उनको अपने आप का नहीं पता रहा। वो प्लेस हाँ। धार्मिक प्लेस पे उन्होंने किया ना, एकदम से उनको वो हो गया ना, यहाँ भी पता नहीं उनके साथ क्या क्या बीता होगा। बिल्कुल, 2 हफ्ते हो गए ऐसी बीमारी लगी ना, डॉक्टरों से राम ना झाड़े जब तक से राम आए, ठीक है जी, यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो घर भी किसी तरह पहुंच गए रात को, 2 हफ्ते हुए ना डॉक्टर से राम ना झाड़ी जब तो से राम, पता लगता लगता लग गया कि फलाना बंदा वहां दिया बाल के आता, जो जंगल में बकरे चलते जंगल जड़ा वाले उनको तो पता था, आम बंदे को पता नहीं। हाँ जी हाँ जी, बस उनसे पता लगे फलाना बंदा से दिया बाल के आंदा शाम, ऐतवार आए कदर ऐतवार छुट्टी होंगी शाम के टाइम, लोग आके पूछे गए उसे क्या चीज, मैं किसी में क्या क्या चीज सपना था। जब 2 हफ्ता हो गई पिंड रौला पाए उसे ठंड बंड करता ताए मुंडे बर्बाद, और डॉक्टर से नाम चढ़ जब दूसरा जब लड़ाई झगड़े तक नौत पहुँच गई, फिर थे नौत अरदास किया मैंने यहाँ पर, इतवार को आता था भी महाराज जो कुछ भी आप यहाँ पर हैं मैं आपकी सेवा किया, मेरी अरदास है भी नलकों को आप ठीक कर दो, थोड़ी बदनामी है मेरे बच्चों को मार छके थे, भावना सब करके अपन 2 बच्चे कर घर को चला गया। तो सोमवार को दूसरे दिन को गजटेड छुट्टी थी दफ्तर की, मैं जंगल को आ सा लकड़ों के लिए, जिसे लड़के ने सिगरेट लगाई वो मेरे को पिंड में मिली वो नीचे को जा रहा मैं जंगल को आ रहा था, मैंने कहा आज तरीके लिए गल कर ली मैं दस पाई पिंड तो कोई गलबात ना करी, पीछे पीछे चले मेरे पिंड तो बाहर आ गया एक साइड से बैठ के उन्हें फिर गल बातें करी, फिर दस उन्होंने की गल दसियाँ क्या चीज दी आवाज के उन्होंने मैं कितने आवाज के उन्होंने भाई कहीं पता लगे फलानी गुरु दी आवाज मैं भाई जानता था जरूर पता मैंने कुछ नहीं क्या है जिन्हें की गल है उन्हें गल करनी मां क्या आवाज भाई उन्हें अपनी कहानी दसी कहते भी असं आए थे हरिपुर बाबा कहते मत्था टेक के जब असी पहाड़ी सामने आए बोटी दे सानू दी आवाज का नजर आ गया उपर पहाड़ी असी रात में उपर चढ़ गए पिंड के बंदा हूँ कहते उपर चढ़ गए बंदा तो कोई नजर नहीं है दिया बाल लिया मैं कभी 10 मिनट आराम कर लें नाल में शरीर पी लें मैं शरीर लगा बैठे जो दिए नाल जलाई उन्होंने वो गलत करता है ना दिए ना कह शरीर तो ऐसे भागी मुंह से निकल जैसा गोली आप फिर मेरे को अपने आप का नहीं पता ये भी नहीं पता लगा घर किस तरह पहुंच गया कभी 2 हफ्ते हो गए ये बीमारी लगी हुई ऐसी घड़ी करते अच्छा कभी रात से आराम आया ता मैं जब हाँ अंधेरे ने मन प्रैक्टिस होना शुरू हो कभी रात अरदास कर दी महाराज ना राजी कर थोड़ी वजह कच्ची रास्ते जंगलों के रात बड़ी मुश्किल पहाड़ी की तरह चढ़े अंदाजा लाए कोई ना कोई गल जरूर है फिर श्रद्धा बदनी शुरू हो गई हाँ पहाड़ी खोदनी शुरू हो काफी देर बाद दरबार अपने काफी देर दरबार
चले आऊंगे 800 रुपये साइकिल से जाके मेरे दरबार में। कितने टाइम में बन गया था मंदिर? ये तो जी साल के बाद बन गया, साल लग गया था। इसमें खड़ा हो जाता बंदे, इसमें बैठ ही सकता। हाँ, तीन बार तो इसमें फंस डाला हुआ है नीचे, मतलब कितना डूंगा है अभी। पहाड़ियों थी यहाँ पर, बरसात में गिरना काहे साफ करें। तो ये थोड़ा सा हैवी पहाड़ी इलाका ना, ये चारों तरफ पहाड़ी इलाका सही है पूरा। ये सारी पहाड़ी थी जैसे पीछे पहाड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस चक्कर में अभी यहाँ से बारिश होती है, मैंने देखा ये इस साइड को तो अभी पहाड़ी है, कच्चा ही है पूरा। हाँ जी हाँ जी, बस है इस तरह भाई। ये प्रैक्टिस श्रद्धा बंदी के लिए, चलो फिर इतनी तो बत्ती करते चले गए, हम संगत होनी शुरू हो गई। फिर 2002 तक चलता रहा खेल भाई। इस दफा ऊंचा करने की कोशिश करी, छोटे छोटे चार पिलर करके छोटे छोटे ऊंचे कर लें, बड़ी चीजा जब बढ़ा लें तो बत्ते करने में ही पानी 10 मिनट जी जी बारिश बुरिश होंगी जो होते ही पैंदा ना पानी। जो कर लेंगे मिसेज माता हाजिर होगी, कहने भाई इस दरबार को नहीं चलना, जिस रूम में बना हुआ ऐसे रहे। अच्छा, ये छोटे वाला आप कह रहे हो, ये वाला जो दरबार है ये वाला, ये पहले से बना हुआ, ये बाद में बना दूसरे वाला? अच्छा, इसमें छेड़ना है जिस रूम में बना ऐसे रहे, पीछे पास में थोड़ी पावना है। मतलब इसको तो ऐसे कैसे बना दो, भावे इसको जो बड़ा बना, छोटा सा ऐसे बना दो। हाँ। जैसे अभी पहले आपने पत्थर रखा, हाँ। आप कह रहे थे, अब ये पूरा बना दिया। हाँ। है ना। हाँ। उसके बाद फिर वो बड़े वाला आपने बना दिया, चलो अच्छी बात है। मतलब मुझे नहीं पता ये बात का, अभी मेरे को किसी ने, मेरे दोस्त ने बताया, मैं भी उसके साथ में आपको बताइए, तो मेरे को तो नहीं बताया था, मेरे को चलो देखता हूँ। अच्छी, नो डाउट, मंदिर आगे एक ऊपर से शांत जगह। फिर गल्ला पता कर दे रहे भाई, दोपहर की रात बाद मेरे मन पे चाह रहा है भी हूँ भाई, तुम मिस्त्री लोग आए भी था जिन्हें के दरबार का कमरा बनाओ, नियो पा दो, जिन्हें की लीला हो गई साढ़े बस कर तुम्हें। हाँ जी हाँ जी। उस टाइम चूड़ियाँ जगह दी पहाड़ी चौक जी जी, पत्थर बहुत है उस टाइम। देखो निया पान दी लोड़े में नहीं दरबार मान, परिवार ने मैनू महसूस नहीं होने, क्या बात है। एक साल दरबार ऐसे बना रहा, जितनी बात कह दी उतनी गलत कर दी, हमें क्या पता इसमें क्या करना क्या नहीं करना। हाँ जी हाँ जी। साल के बाद ऐसा सपना आया, मैंने दिखाया, कहते भगत दरबार से मूर्तियां भी होनी है, तो दिन च भी जाड़ा कम कर दिया, ऐसा सपना। बिना उसके खाली मंदिर खड़ा करता हूँ, दिमाग आले दाले घूमने लग गया। जिसी मन सदी मेले देखने जाने बचपन तो ही, जयंती देवी जाने भी मंदिरों च मूर्तियां होनी। हाँ जी हाँ जी। बस एतवार का दिन था भाई, तो सवेरे ड्यूटी तो जाना ही था, दफ्तर के फंड का फार्म भरा लिया, पाँच चार दिन च निकलया। और फिर मैं जगराते वाले बंदे नाल गल करी, हेड नाल मां भग जी भी माता दी मूर्तियां किथे मिलदियां, वो कभी हरिद्वार है बाजार, अच्छे कभी हरिद्वार गए नहीं। हरिद्वार भी है, अभी शायद जयपुर भी बन रही है, हाँ, कई मैंने सुने हैं, बड़ी जगह हो गया। कोई नहीं क्या, मुंडा मैंने हरिद्वार ले गया भाई, ठीक है जी। पहले कमाया फराया, हर की पौड़ी के स्नान पान भी करे, 4 बजे के करीब बाजार चले गए भाई, सारा बाजार घूम के मूर्ति इस लट कल इस मूर्ति ने कम्प्लीट कर, वो तो उन्होंने पता क्या कमी पी, सिंपल मूर्ति थी उसका। अद्ध पछा दोनों को पैसे जमा कर, हूँ एक पता किन्ने पैसे नहीं आनी है, उन्हें 15 साल की डेट थी, इस डेट में ले जाओ भाई। उस डेट तो कुछ दिन पहला मैं जगराते वाले बंदे को चले गए, महापाग जी भी माता की मूर्ति लिया, इसे तुम चलना हरिद्वार, कहे किसी पंडित ने मूर्ति कढ़ाया, महा पंडित को मूर्ति नहीं कढ़ाया, कहे भी सुबह दिहाड़ा कटाने चाहिए स्थापित करते हैं तो मुहूर्त निकाल देना। गल तो बहुत सुंदर लगी, कहते बच्चे खेले बनाई गई है, तो चीजें एक बार होनी है, बहुत आनंद आया जी। वो कहने करके जेड़ा मुंडा मैंने हरिद्वार ले गया था, वो मैंने तनास ले गया भाई, तनास दो पंडित है जी दरबार, ठीक है जी। सवेरे सवेरे चले गए, दुआ सलाम करी बैठ गए, वहाँ पंडित जी करके आए, थोड़े को भी माता की मूर्ति लिया सो दिया। पंडित ने दो डेटा दसी अगे पिछे, ये डेटा सुबह जी मर्जी डेटा ले, और डेटा ले गया मजार त्यार बंदे चले हेड को, महा भाग ये डेटा दसियाँ, पंडित ने दे लो कई चीज़ नहीं जाना, कहते डेटा सही नहीं है। मैंने बड़ी टेंशनबाजी होगी, मैं ड्यूटी भी करनी, घर का भी देखना, इधर दरबार से भी आना, पागल हो गए सैकल घूमता। मैं गल करते करते कई बंदे इकट्ठे होते वो को, तक उन्हें पिंड के एक बंदा क्या कहना कि जे यही गलबात साढ़े पिंड भी एडा महात्मा, इस तो बड़ा अपने लग के पंडित सहना हो, हाँ जी इतना थोड़ा भाई उत्थे चलो शाम का टाइम, बिल्कुल वो चले गए महात्मा को आश्रम बनाया जीता, चले गए भाई, पहले दुआ सलाम करी बैठ के जाके कुछ देर गल बात करते रहे, फिर महात्मा ने पहले चाह छकाई, चाह पानी छकाया, गल्ला बातें करते रहे, फिर उन्होंने पूछा भी बाबा जी इस करके आए, माता की मूर्ति लिया भी सुबह दिहाड़ा दस। महात्मा ने अपना हिसाब किताब ला के 18-20 दिन हो गए, डेट देती भी ये डेट सुबह, महात्मा ने एक डेट दसी,
आ के उन्होंने पिंड काली दे मंदिर च बैठ गए। कुछ देर गल्लां बातां करदे रहे, फिर अगर कोई गल नहीं तोड़दा भी मैं तो पिंड नूं भी जाना, मैं तो अद्धी रात हो जानी। बस फिर मैं ही गल करी, महा भाजी तुसीं लोकां दे इलाज भी करदे, तुसीं सियाणप भी करदे, तुसीं जगराती भी करदे, मैं तो कुछ जानता नहीं। हूँ तेरे कहने करके चार डेटा हुई, हूँ आप सिलेक्ट करो चार डेटों सही डेट कही है। हाँ भाग जी ना तब जाना पंडित ने रोज, ना मैं जाना सिख ना मैं जाना मुसलमान, जो मैंने चंगा लगे तो गया। तो उसी डेट में आप भी आए जी, डेट लेके आई तो आए गाँव बजाने फिर इतनी मूर्ति आई। तो पहले मूर्त था उसके बाद आ गई मूर्ति। एक चीज बताओ, ये वैष्णो माता का ही क्यों लेके आए आप? बताता हूँ इसकी हिस्ट्री है, अभी टाइम लगेगा हिस्ट्री पूरी, हमारे सब प्रैक्टिकल जो हुआ। हाँ जी हाँ जी, मैं वही देख रहा हूँ क्योंकि मनसा दे माता जी है, शेरा वाली माता है, वैष्णो माता है, मतलब भगवान तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो वैष्णो माता ही क्यों? हाँ वो बताता हूँ मैं। फिर भाई जो तो शुरू शुरू तो बच्ची करते थे, एक बार साढ़े परिवार ढिले हो गए कुछ समय बाद। हाँ जी हाँ जी, परिवार ढिले हो किसी सियाने को चले गए, ठीक है जी। उस सियाने को मैं इतने की गल कर बैठे, वीडियो को इन्नी दुनिया आ रही है मैनू कोई इतने बारे गल दसू। महा बाबा जी मैनू बचपन तो ऐसा ऐसा सपना होता दर्शन होने, देखो क्या करता। बाबा ने अपना हिसाब किताब लाया, बाबा जी का बाबा कहना भाई तो बहुत अच्छी चीज है, देवत्या डेरा धूप बत्ती करनी चाहिए। महा जी जंगल भी क्या था और खाना गल कितने होर, मैं कितने होर भी पहाड़ी हो सकती है, सपने का क्या हिसाब। वो उस सियाने फिर मैं इतने लेके आई, यह जगह की तसली जगह यही जगह यही पहाड़ी, फिर शुरुआत हुई। फिर साल के करीब उस सियाने के नाल चलता रहा, हरे तोड़ जाने चौकी भर के आऊ, किराया भाड़े भी दे के आना, समान खरीद लेने जाना लिखा आना उन्हें है ना। तो वो चौकी च बैठे बैठे मेरी बुद्धि घूम गई, बाबा जी मैं इस कम थोड़े को खर्च करा लेने आते हैं, अंदर अंदर मूड खराब हो गया, बस चुप करके उठ के चलिया। मतलब यहाँ पे कभी आए नहीं हो? वो कभी नहीं था। और आप जाते थे वहाँ पे वो? हाँ मैं जाता था, इतवार को जाता था, 2-4 घंटे चौकी पर के होंगे। मैंने सुना आपकी बातों में रविवार का दिन है ना, मतलब बहुत आपने मेंशन कर रहे हो, ये रविवार का दिन क्या सीन है? मतलब मोस्टली आपने रवि हर चीज रविवार में बोली है। छुट्टी होती ड्यूटी करते थे तब करके, तब करके, और लंगर भी रविवार चलता है, उनके यहाँ जो रविवार जाते थे ड्यूटी छुट्टी रविवार होती थी, तो ये रविवार का दिन थोड़ा सा कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए ना। चलो ये चीज है। फिर भाई मैं आरसी मोहाली बोल को चलिया, उठे मेनू को मुला बड़े लगता मुंडा मिले जान पछाने, ओदी भी सारी ड्यूटी मेरी सारी ड्यूटी। हाँ जी हाँ जी, बस कहिंदा जी किधर को, मैं चंदो पिंड गया था बाबे को, विष्णु कोई गल नहीं तो मेरा मूड खराब करके चलिया। वो कहे कि पंडित जी मेरे यार दोस्त है, चंगा जानी जाने खबर तेरा भला हो जाए, उन्हें एड्रैस देगा भाई। दूए दिन असं पंडित जी को चले गए, मेरे नाल रिश्ते जाए को मैं आँदे आँदे पंडित जी ने लेंगे, दो कम हो जूंगी दफ्तर से छुट्टी कर ली भाई। पहले अपने रिश्तेदार जी मिले गए, फिर शाम के टाइम पंडित जी कहने भी आ गए, रेस्ट हो रहा उन्हों का बैठ के जाके, पंडित जी बाहर निकले। महा पंडित जी को तेजस में थोड़ा यार दोस्त है, उसने भेजे थोड़े को भी देखो क्या गलबात है, मैंने बचपन तो ऐसा ऐसा दर्शन होने सपना होगा। बाबे उन्हें पंडित जी ने अपना निगाह मारी, पंडित भी तांत्रिक टाइप पंडित है जी, गढ़वाल का पंडित है। हाँ जी हाँ जी, बस पंडित जी कहें भी भाई पहले तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, जिस तू बच्चे कर दें करी सिखी लैंड कर दे भी तुम संदूर टिका जरूर लाए। मैं पंडित जी संदूर टिका ना तो कभी बजू लाया ना अस लाया, सिखी लैंड कौन लाता जी मैं 10 बजे ने घर जाने मिलने में कितने 600 आने मेरे मुँह लगने। पंडित जी ने बजाय डब्बी थोड़ा संदूर पा के दे दे पुड़ी बना के दे, ये अपने लाने रहो ये मुक गया भाई बाजार से ले। अच्छा जी, बस सर्दियों के दिन तो कोई 800-800 टाइम हो गया, कच्चे रस्ते होंगे थे उस टाइम, सड़क सड़क कितने नहीं थी होंगी। 1965 की गल कर रहे हो तुम? 65-70 दी है ना? हाँ 1965 दी। मैं फिर भाई मैं पंडित जी को आके घर आके अपने हाथ मुंह धोके रह रहा था, पाठ कर लेंगे परिवार रोटी खाने लगे, उन्होंने भी टिक्का ला लिया अपनी जान ताई, हुणे तुसी सिंदूर दा टिक्का भी लगाने हो ना? हाँ ताई करके। मैं फिर भाई कुछ लेना पाठ दिन शुरू करी, उन्हें एक अद्धी रोटी बनाई होनी, बस रोटी पकाते पकाते परिवार माता हाजिर, बड़े गज बज के हाजिर हो गए, बेड़ गली के लोग इकट्ठे हो गए, कि रोटी गई कि परात गई, कहते भाई गद्दी लिया साड़ी कितने, गद्दी बना के जिसे पाठ करते बैठ गए।
ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਤਨ ਪੁੱਛੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਨੇ ਪੈ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤਭੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਨੇ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛਾ ਚੱਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਟ ਤਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਮਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਚੜ੍ਹ ਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਚਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਉਂਡ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਟਦਾ ਚਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਚੱਕਲੀ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਵੜਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਨਾ ਢਾਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਗਰਾਉਂਡ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਹੋਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪੁੱਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਮਹਾਂ ਪਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਜੀ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਇਧਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ ਚੱਕਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਢਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਬ ਇਹ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੇ ਵਹਾਂ ਜਾ ਸਕਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਹਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਅਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਕਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਇਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਮਟ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਜੀ ਹੋਗੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ 24-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਲਈ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਚੈਤ ਕੇ ਨਾਤੇ ਨਵਰਾਤਰੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਮ ਵੀ ਬਤਾ ਰਹੇਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਜੀ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਆ ਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਆਪਕੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਟੰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਥੀ ਅਭੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਲੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਜਾਏ ਆਂਗੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਾਏ ਆਏਗੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਰਾਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਦੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ 17 ਦੀ ਬੱਸ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਸਾਲ ਕੱਟੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ 11-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 11-12 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਨਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ 12-12:30 ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
नंबर वाइज हथम तू फिर लेना चला गई नंबर वाइज लग गए क्या चल लेना संग चल मैं तो एक बार गया मुड़ के हुक्म नहीं होया मैं तो हूं तक एक बार भी नहीं गया मैं जाऊंगा वह फिर भाई लेना चला गए कई चक्कू क्रिकेट पास जब मेन एंट्री गई कृपा नाथ लग गए उन्होंने अच्छा वो उन्होंने वहां निकलवा दी होनी फिर कभी चिंतपुर सारे दर्शन कराऊंगे उसे चले मेरी तो सीट गुस्सा आ गया तो हिंदू सिख का सवाल पैदा हो गया साढ़े दिन भावना नहीं आई वही तो भी कृपान करके गया साधे हिंदुस्तान की कोई रुकावट नहीं जितने मर्जी मैं थटे की सर हाँ जी हाँ जी अभी गुस्सा आ गया तो कुछ देर बाद शांति जी हो भी किन्ने साल बाद मौका मिला दोबारा आ होना पता नहीं आ हूँ एड्डी दूर आए दर्शन तो कर लो मैं लेन तो बाहर निकल के निकल गया किसी तो मतलब कृपान कर गया फिर लेन चुको आके ले लूंगा भाई नहीं मिलूंगा बाजार तो हो ले लूंगे हूँ एड्डी दूर आए दर्शन तो कर लो ऐसे लैन च घुस गया कुड़ी अगे लंघ गई जब मेन एंट्री है कि पेन रह गए पेन मैं खा लिया फिर गुस्सा होना शुरू हो गया जिते पंडित पंडित मत्था टिकाते पंडित होंने मंदिर पंडित जी होंगे भी मैं तो खूब रौल पा के जाऊंगा ढोल बजा के जाऊंगा ऐसा कहड़ा हिंदुस्तान का विधान है दरबार है भी कृपान वाला मत्था टेक सकते साढ़े हिंदुस्तान कोई रुकावट ही नहीं है फिर गुस्सा जी मैंने कुछ नहीं पता अंदर को चार चल रही भी मैं पंडित खूब रौल पा के जाऊँ चार चार लेना संगत चल रही एड्डी तो गया जिसे समझ दरबार है 35-40 साल का बंदा हिंदू जट फटाफट तीन चार लेना फाड़ के मेरे को आके खड़ गया कहा जी कितने आए मैं चंडीगढ़ से आए हाथ फट के ना ना लैन डिफड़ी जा रहा बाहर कड़ी और गुस्सा के पहले लैन से बाहर कर दो फिर लैन से बाहर कड़ी जा रहा इन्हें लोगों क्यों नहीं किसी ने बाहर कटिया जो कुछ डिंगा जा रहा हाथ फड़ी के जाकर शाह जी तेन लैन च लगन की कोई लोड़ तू बिना लैन से दर्शन कर वो हथ से गए पिछे मुड़े मैं चलता रहा भाई जो कुछ डिंगा अगे जा रहा भाई पता नहीं किथे गुस्सा खत्म होगा किथे जो बचने याद आ गए या सब कुछ याद करा या अपने आप को भी पता ना जो इन्हें बचे गए थोड़े बांध फट अपने फट के ले अपना बच उस बंदे ने टोले बंदा मैंने मुड़ के इतने के बचन के उत्थे भी नहीं जाके मोहल्ला ये दिन फैक्ट्री ना सिकड़े इस लैंड चल रहे ये भावना देख रहे इंसान हाँ जी हाँ जी बाकी ये भी प्रैक्टिकल के देख दे इंसान का असि तो इन्हें तो प्रैक्टिकल करते कुछ करते कि नहीं करते ये इंसान का करते कितने कितने चलते कितने नहीं चलते छेती छेती ये भी नहीं हाथ फड़ाते कि जो होना होंगे उस टाइम होगा कहते ना मतलब जो टाइम होना उस टाइम करके ही सारा काम होता उस तो पहले नहीं उस तो बाद समय तो पहले समय तो पहले कुछ नहीं होता वो होता जो समय दे सही है हेलो देखो रौनक मेले चलते रहे हौला हौला जगराते शुरू हो गए हिमाचल के बंदे आए उन्होंने बहुत रौनक लवाइया बेचारे ने साढ़े पंजाबी भी बहुत बार उन्हें भी करते रहे मैं फिर भाई एक बार क्या होया हिमाचल के बंदे देखे कोई साल कट्ठे रहना दफ्तर भी कट्ठे होना मैंने एक बार कहने भाजी भी तुम यमा छकिया वहां यमा छकिया तेन पता ही शुरू छकिया वा भी यमा छकिया तो तेन सीखी लिया रहना चाहिए ये माता की सेवा करने तो पंडित बन के रहना चाहिए महा भाग जी मैंने तो एक रूप नजर आता दो तक दिता है शाल खंड कर गल हाथी मकौल च होंगे रही बिल्कुल एक दिन क्या होया मेरे मन च विचार है सू तो कृपान क्ढी दे बोझ नहीं है पाई दो जिते आए इन किसी के मन में शांति मिल जाए होर क्या चाहिए सही बात है असं अंडरग्राउंड कर ली भाई अंडरग्राउंड कर ली साल के घर रखी भाई कुछ समा साल के बाद क्या होया सुबह धूप बत्ती करनी हाजिर हो जाते मेन दरवाजे की गल है बस पहले माता हाजिर हुई ना बचने के जो करने शिव जी जी हाजिर शिव जी भगवान ने कोई बचने कर कहते भाई बाबे आ गए मैं क्या मंदिर च बाबे के घर रोल मंदिर की कि सिस्टम है बाबे का कहड़ा सिस्टम शिव जी भगवान ने कोई बचने कर पिछे पैरा हटा लिया बाबा दीप सिंह हाजिर हो जिन्हें अमृत छकिया जी उन्होंने बचने कराया भाई कहता भगत ए दस थोन कभी माता ने ऐसा वचन कराया तुम गुरुद्वारे क्यों जी ने मांझी गुरुद्वारे जाने पे कदी भी नहीं हाँ जी बाबे ने ऐसा वचन गुरुद्वारे क्यों जाने कभी माता ने भी ऐसा वचन कराया भी तुम मांझी ऐसा कोई वचन नहीं है जिस रूप से थोड़ी सेवा मिली उसी रूप से किसी वक्त जहाँ मन करता जहाँ शांति मिलती जहाँ अच्छा लगता है आप लोग जाओ वहाँ मत्था टेको कोई वो नहीं रोक टोक तो होनी नहीं चाहिए ना तो फिर बाबा ने भी देखो इतने फैसला दे दिया ये अपने मना दा ही फर्क है भाई हिंदू है मुसलमान है फलाना है ये तो आप लोगों ने ही बनाया ना देखा जाए तो आप बेसिकली ऊपर वाले ने थोड़ी कहा कि तुम हिंदू मुसलमान बन करो या सिख बन करो ईसाई बन करो है ना कुर्बान बाहर कर ली कोई चक्कर नहीं है अब दुनिया आ रही जा रही कुछ देखो अब ये तो सिखों के पांच
पांच मेरे हिसाब से जो आपके इम्पोर्टेंट है ना वो तो है ही है, केश हो गया, कंघा हो गया, कृपाण हो गया ना, और ये भी पहचान हाँ किसी समय जरूरत देने की दो। ये तो गुरु गुरु जी नहीं दिए तो पहचान है तो पहचान तो अभी कभी खोनी नहीं चाहिए ना, बट लोग कर देने ना दा कि भाई नहीं ये करो वो करो, फिर वही चक्कर है कई बार प्रेशराइज हो जाते हैं वो चीज खत्म। सिख लोगों ने बड़ा विरोध कर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, क्या पत्थर भैया शुरू कर दी अंदरली चीज सुनकर दस। हाँ जी जी सवेरे सवेरे तू बत्ती करनी, सुबह शाम हाजिर हो जाना, गल्लां बातें करनियां, संगत भी आना, दुख सुख सारे होंगे, तो साढ़े भाईचारे ने विरोध करना शुरू कर दिया। वह भी कई महीने माड़ा चंगा जब बोलते रहे, असी इन्हों कहना भी माता जी से किसी को माड़ा चंगा कहने, लोग क्यों माड़ा चंगा बोलते, कहते तुम मस्त रहना किसी ने कुछ नहीं कहना। हाँ जी जी इन्हें तो बचन मनना सी, जो कई महीने हो गए तंत्र के बाहर खिला दे, कोई ना देखो कट जाए, सियाणा तंत्र खड़ा रह गया, अंदर आके सिर पर बोलने लग गए, गद्दी लगी हुई थी हाजिर हुए हाँ भाई जी तकलीफ है शांति कर लो, कोई बड़ी गल उन्हें तो दो दो मार लुपड़ चुप करके बह जाने, तो पैसे बनाने का ढंग बना लेने, शक्ति हाजिर तो हुई हुई उन्हें उठना पे उठे फिर भज ले जी हुए लेटरिंग के बाथरूम बने हुए एडी दूर घर तो चला तो सजा के टा ले एक कन्न तक दो दबने दो छे तीन चल, मैं तो गली सामने देख रहा मैंने पता लगे पत्थर पूजे विराज तो नौ तीन चार रगड़ा आया भाई, एक बुजुर्ग आया बेचारा बाहर कहते भाई तुम मैंने पंगा लिया क्या थो तो मैंने क्या तुम जी गल पा दो गल तो गली सामने देख रहा था तमासा देख रहा, तो एक नौजवान मुंडा मैं घर खड़े मारने वास्ते आया भी इसने जनानी से मिलाई उसने उठा मैं चाहिए अपने अपने घर जाने का मुंडे की गिठी का हाथ रह गया मेरे गल पड़े चे रस्ते भी जनानी छड़ के घर मूहरे मुंडा ढाले उपर बैठ फिर गुस्सा एक कृपान कटवान चक लेने मारने पे लक बन फिर लोगों ने जिंदे को ला जब मिन्नता करके मुंडा हेठा से क्या सीधा गली भज के मुड़के वापस नहीं आया उस दिन से टीचर ने करी किसी ने पत्थर पूज लिया जे इदा दे हेल्प ना करते अपना मन भी नहीं खड़ता है जे इदा की प्रैक्टिकल दाता लोगों भी पता नहीं लगता भी क्या बिल्कुल बिल्कुल सारे असं इन्हों का प्रैक्टिकल इंसान का प्रैक्टिकल सपने लंगर भंडारे दिखा रहे माता प्रसाद लेना चमथा चीजा हूं अपनी अखा पहाड़ी भी अपने हथा खोद खोद कर जगह ये आपके हाथ से कोई किसी से पैसा नहीं लिया कोई किसी से दिहाड़ी नहीं लगाई अपने खून पसीने ना खेल हो। चलो बाबा जी आपा दा आई अरदास करते हैं तंदुरुस्त रहो आप आंदे रहोगे मिलते रहोगे तुम्हें हमेशा आप देखो अरदास ही कर सकते हो करने कराने हैं इंसान का एक बहाना है। हाँ जी हाँ जी लीला तो इन्हां दी बिल्कुल 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 सब दी भावना यही पूरी करने वाले। हाँ जी मस्जिद है हाँ देखते रहते मेले लगते रहते आना जाना अभी मैं दिमाग ही लाया भी साढ़े मंदिर गुरुद्वार च जनानियां जाने कोई रुकावट नहीं है इन्हें मास्टर जनानी कोई देखी नहीं अब तक। हाँ ये तो मैं भी नोट किया मस्जिद में मैंने कभी लेडीज को नहीं देखा जाते हुए मेरे मन च विचार आ गई भी प्रैक्टिकल करना भी इन्होंने जनानी को नहीं आती साढ़े क्यों रुकावट नहीं है मंदिर में जाते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं चर्च में भी जाते हैं मस्जिद में नहीं जाते ऐसे क्यों फिर असि मेरे मन जी अपनी प्रैक्टिकल किया है प्रैक्टिकल किया है असि एक बार मियां बीबी भाई चले गए मस्जिद भी सके बड़ा मेला होता है हां हां उधर लगता है शुक्रवार लगता है हां फिर देखो 10 बजे मस्जिद में जड़े 4 बजे उठो उतरे उठे भी सन दो गल्ला नहीं मिली है उठे किसी ने पूछा भी तू भाई से जनानी कितना लेके आए फिर गल्ला बात ही है कि आप जानने नहीं बस वही चक्कर है उसे भी दो गल्ला नहीं मिली है मर्जी ना होता शाम अच्छा जी वो ऐसा ही है वो लोग का दे बने आना कि बाबू जाना नहीं बट जा सकते हैं ऐसा कुछ उसी की है भाई अपने अपने मज बनाए देना ना अपना क्योंकि अपने अपनी लेना पक्कियां करी दिया भगवान तो वही कदे खेल है भाई ये चीज है बाबा जी धर्म मजहब आपा नहीं बनाया आपा नहीं बनाया बाबा ने तो भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं भगवान ने सब एक सारी बनाया सारी बनाई सही मैं वो अपना ही हो गया कि अपना रखता कि ये हिंदू है ये सिख है ये ईसाई है क्रिश्चियन है ये यहूदी है ये बौद्ध है ना ये जैन है वो चीज एक बार मेरे मन में आ रहे थे लोगों ने सियासत में बहुत खेलिया
मेरे भोले भाले इतने अपना सिस्टम जमाओ छो ऐसा भी खेल हो। एक बार मेरे मन च बचा जगराते समय ची माता जी इतने लोग सियासत बहुत खेल रहे हैं, कुछ कहता कोई कुछ कहता भी इतने पता लगना चाहिए सेवादार कौन पिछली परिवार की भावना आ गया आ। बस देखो 10 बजे जगराता शुरू हो गया 12:30-12 बजे बहू जी भी हाजिर हो गए मुंडे च भी हाजिर हो गए। मुंडा खेलता खेलता मैं दरबार अगे चले गया छोटे दरबार बहू इतने खेल ली मन च दसन की जरूरत सब मन की गल्ला पढ़ लें किसी ने क्या चाहिए क्या वास्त भावना ही नाल खेल दिखा बिल्कुल जी इस तो बड़ा प्रमाण क्या हो सकता तो भुलेखे मिट गए संघ तेन पता लगे रोटी खेलनी जो ऐसा चलनी ऐडा ही चलनी सारा विश्वास विश्वास के उपर खेल जो विश्वास विश्वास ना विश्वास आप ही शो कर दिना कि हाँ है चलो साड़ी देख प्रकृति रूप दे खेल हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो तुम हमने इतने रहते हो किधर रहते हो इतने रहने हो मेरे मुंडे भी इतने रहना और भी सेवादार कुछ भी शाम आ जाए चलो बढ़िया गल है आप भी हम आने जाते रहेंगे मिलते रहेंगे थोनू चलो सब इन्हों की अपनी मौज है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी देखो ना तो अज तक पक्की कट्टन का हुक्म है ना किसी से मंगन का हुक्म जो वचन कर लिया मुंह तो निकल गया चो चल रहा। एक बार हिमाचल के बंद ने पर्चिया बनो कटवा लिया इस मंदिर के नाते मंदिर के नाते। अच्छा महा भी असि तो मैं तो हुक्म है नहीं मैं तो मैं बदनामी नहीं खटना चाहूंगा कि लोगों ने बहुत कुछ कहा वो कहते भी तेनों लोड़ नहीं भी असि पर्चिया कट्ठी करे करूंगे बस भी आमदनी तो है नहीं कोई बस उन्हें भाई पर्चियां करो छुपा लिया पैसे मैं दिया देनी तो छुपाने तो मैं ही दिया जगराते के समय एक बार पर्चियां ले गए 3-4 जो लेके आए कहते यार अगर रुपया 2 रुपये देता 20 गल बोलता कहते इतने ये कम चलता नहीं सारिया पर्चिया उदर दी पद्दी भी हो गई होनी पर्ची कट्ट का हुक्म आपा नहीं कोई होर लोगों ने बहुत कुछ किया तो पर्चियां कट्टो जी तो फलाना करो टिमका करो महा भी इतना उही होना जो सू माता की होगी उनकी उनकी परमिशन है उनके बिना कुछ नहीं होना उनके बगैर कुछ नहीं होना होना जो इन्हें चंगा लगे चलो साढ़े तो अपनी प्रैक्टिस का खेल है भाई सारे जो कुछ एक बार फिर से अपना नाम बता दो आपका नाम पूरा बता दो क्या पूरा नाम क्या प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह हाँ प्रकाश सिंह ते चेंज चुंज किया या स्टार्टिंग तो आई नाम स्टार्टिंग तो ही प्रकाश सिंह जी चलो बाबा जी आपा दा ये कहने सत श्री अकाल भी कहने जय माता दी भी कहने दोवा कहने है ना ना सब सीख लिया एक भावना है भावना देनी जी जी भावना ही है चलो धन्यवाद। सो गाइस ये थे बाबा प्रकाश जी ये बेसिकली जो मंदिर है ना ये नाडा पुल है नया गांव से आगे वहाँ बना हुआ है या मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा डैम सा बना हुआ है फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है पीछे वैसे तो करना कुछ नहीं आपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जो चंडीगढ़ आते हैं जिनको जो चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं वो यहाँ पे आके मत्था भी टेक सकते हैं माता वैष्णो दरबार है तो यहाँ पे भी आ सकते हो आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।